प्यारे परमेश्वर, फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज आपने फिर से हमें एक नया अवसर दिया है प्रभु कि आपकी बातों को सीख सके, समझ पाए। बाहर का समय जब हम देखते हैं तो सच में बहुत संकट और भारी गड़बड़ी का समय चल रहा है प्रभु, भारी अनिश्चितता का समय है प्रभु, जिसके बारे में हम आने वाले कल के विषय कुछ कह भी नहीं सकते परमेश्वर। पर प्रभु, इन सारी बातों में हम एक चीज साफ रूप से बोल सकते हैं कि जिंदा परमेश्वर तू अपने लोगों के फेवर करता है और उनके पक्ष में रहता है प्रभु। और इसीलिए प्रभु, ये पीरियड में आप हमसे आपके वचनों के द्वारा व्यवहार कर रहे हो, हमसे बातचीत कर रहे हो। और फिर से जब हम जुड़े हैं, जितने भी लोग ऑनलाइन इस संपर्क में है, हम सभी से, सभी के लिए, हमारे लिए और मेरे लिए, हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा आप हम पर आच्छादन करें प्रभु। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आपकी सहायता हमें दे इन बातों को समझने के लिए, बूझने के लिए, और आपकी ज्ञान की प्रकाशन की आत्मा को प्रकट करें हमारे ऊपर। और जो भी बातें हमें समझ में नहीं आ रही, उसको समझने के लिए आपका अनुग्रह फेवर हमें दे प्रभु। पवित्र आत्मा हम न्योता देते, हम जहां भी बैठे हैं देख रहे, आप सारा कब्जा करे, नियंत्रण करे प्रभु। ये प्रार्थना करते हैं यीशु का लहू इस पूरे ऑनलाइन सिस्टम पर हम यीशु के नाम में जाहिर करते हैं। शैतान की युक्तियों को हम बेअसर और निष्फल जाहिर करते हैं। हम सभी की आप मदद और सहायता करें, यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं। इसे कबूल करें प्रभु जी, यीशु के नाम में, आमेन। आज यह प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय में बाकी की जो बातें हैं कैरेक्टर, उसको समझने का आज हम प्रयास करेंगे। मिकाइल, अब यह मिकाइल कौन है? आपको सबको पता ही होगा, मिकाइल दूत एक स्वर्ग दूत है, आर्क एंजल है, और प्रमुख प्रधान मुख्य दूत कहलाता है वो। यहाँ पर जो आयतें हैं वो हम पढ़ेंगे। फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई, मिकाइल और उसके स्वर्ग दूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े परंतु प्रबल न हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सहली। इस कारण हे स्वर्गो और उनमें के रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि वह जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। अब यहां पर कुछ बातें आपके ध्यान में आएगी। यहां एक लड़ाई हो रही है, और उस लड़ाई में आप देखो तो शैतान और उसके साथ के जो दूत वायुमंडल पर नहीं उनका काम कर रहे थे। अब आपको पता हो तो वायुमंडल पर उसका अधिकार है। इफिसियों की पत्री अगर आप दूसरा अध्याय निकाल कर पढ़ो तो बहुत साफ वर्णन इसके बारे में किया गया है। हम जल्दी निकालेंगे इफिसियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय दूसरी आयत, पहली दूसरी लेके, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराध और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले पहले मतलब विश्वासियों की पहली दशा की बात है, जब वो विश्वासी नहीं बने थे उनके बाद, तुम पहले जब विश्वासी बने उससे पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे
जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। दूसरी जगह पर लिखा है वायु, किंगडम ऑफ एयर, मतलब वायुमंडल की जो बात की गई है वहां पर, और वो है आकाश का अधिकार और उसका हाकिम, उसके कहने पर, उसके कहने के मुताबिक तुम पहले चलते थे, अब उसका अधिकार वहां पर है। नहीं, हमने पहले भी सीखा था कि पहला आकाश, दूसरा आकाश और तीसरा आकाश, ये तीन आकाश की बात है। और पौलुस ने अपने अध्यायों में, अपने वचनों में ये बात लिखी थी कि उसको तीसरे आकाश में, मतलब स्वर्ग में, वो स्वर्ग कहलाता है जहाँ पिता परमेश्वर और यीशु मसीह और स्वर्ग की बातें है। दूसरा आकाश हम पूरे ब्रह्मांड की बात कर सकते हैं, अवकाश स्पेस के बारे में कह सकते हैं, और सबसे डाउनवर्ड्स आते हैं तो वो है इस पृथ्वी का वातावरण, जब वो वाला पार्ट जो सबसे ऊपरी पार्ट वो वायुमंडल कहलाता है वहां पर। और वहां पर आप उत्पत्ति के पहले अध्याय पहली आयत में लिखा है उसके मुताबिक नहीं, वो बड़ा बहुत बड़ा गैप वहां पर अंतर है कि आदि में नहीं, परमेश्वर ने क्या बनाया, आकाश और पृथ्वी बनाया, और उसके बाद में लिखा है पृथ्वी अस्त व्यस्त और खाली थी, सुनसान थी। तो परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की और उसके बाद में तुरंत सुनसान और खाली, अस्त व्यस्त कैसे हो सकती है? तो यह वो समय अंतराल था, वो समय पीरियड था कि जब यह लूसीफर ने विद्रोह किया और उसके साथ में उस उन दूतों को गिरा दिया गया वहां पर उसके साथ के, और तब से वो उस जगह को छोड़कर, स्वर्ग को छोड़कर वो पतित हो गए, और इसलिए तीसरे आकाश से दूसरे नहीं पर पहले आकाश में, वहां पर जो वायुमंडल कहलाता है, वहां पर आ गए। और इसका प्रमाण आपको दानियल के दसवें अध्याय में मिल सकते हैं। ये सब समझ जरूरी है क्योंकि जो बातें हम सीख रहे उसको समझना आसान रहे। दानियल का दसवें अध्याय में जब दानियल प्रार्थना करता है, तीन सप्ताह का उपवास सहित प्रार्थना के साथ प्रभु के चरणों में बैठता है, तो वहां पर 18वीं आयत में लिखा है, तब मनुष्य के समान किसी ने मुझे छूकर मेरा फिर मेरा हियाव बंधाया, और उसने मुझसे कहा, हे अति प्रिय पुरुष मत कर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो और तेरा हियाव बंधा रहे। जब उसने यह कहा तब मैंने हियाव बांधकर कहा, हे प्रभु अब के, क्योंकि तूने मेरा हियाव बंधाया है। तब उसने कहा, क्या तू जानता है कि मैं किस कारण तेरे पास आया हूं? अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा, और अब मैं निकलूंगा, तब यूनान का प्रधान आएगा, और कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है वह मैं तुझे बताता हूं। उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मिकाएल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाला और कोई भी नहीं है। मतलब उस समय एक लड़ाई हुई वहां पर, जब दानियल ने यह प्रार्थना की तब ये बात हुई थी वहां पर। एक और वचन 12वीं आयत, 10वां अध्याय दानियल 10 और 12, फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बुझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए, उसी दिन तेरी प्रार्थना सुनी गई, और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। तेरे वचनों के कारण मैं, मतलब तूने जो निवेदन किया उसके कारण मैं आ गया हूँ। अब 13वीं आयत, फारस के राज्य, फारस मतलब आज का ईरान पर्शिया, फारस के राज्य का प्रधान, अब यहाँ प्रधान शब्द लिखा है ना, तो उसका प्रधान क्या, इसके आधार पर कह सकते हैं राष्ट्रों पर, अलग अलग राज्यों देशों पर नहीं, शैतान के अधिकार काम करते हैं। जैसे कि कोई एक बड़ी कंपनी हो तो उसका सबसे बड़ा पहला एक मालिक होता है, उसके नीचे कोई और होता है, उसके नीचे दो तीन लोग और होते हैं, नहीं यह एक लेवल है, नहीं एक स्तर है जिसमें अलग अलग अधिकारी होते हैं, अलग अलग प्रधान होते हैं, अलग अलग मुखिया होते हैं, अलग अलग अगवे होते हैं उनके हाथों के नीचे, नहीं और इन सब के नीचे काम करने वाले छोटे छोटे जो मनुष्य, मतलब जिनको कामदार हम जिनको बोलते हैं, वर्कर्स बोलते हैं, तो वो सब होते, तो सबसे ऊपर जो होते वो बात। तो यहाँ पर फारस के ऊपर उस समय यह बात थी कि
वहां पर जो शैतान काम कर रहा था, वायु की सत्ता का अधिकारी जो काम कर रहा था, वो यहाँ पर दानियल की प्रार्थना के उत्तर लेकर आ रहा था, जो गैब्रियल दूत जिसको बोलते हैं वो आ रहा था, यह काम उसका है। तो वो जब आ रहा था उसका सामना यहाँ पर हुआ। तो प्यारो आप सोचो, नहीं दूत भी एक एक आत्मा ही है, तो आत्मा ही आत्मा के साथ लड़, फारस का राजा कोई वहां से उठकर आकाश में लड़ने नहीं गया था, पर वो उस राष्ट्र पर अधिकार जमा कर बैठा हुआ वो एक व्यक्ति था। आपको अगर पता हो तो गेरसानियों के देश में जब यीशु मसीह प्रवेश किए तो वहां पर कब्रें थी उस सब झील के पास, और वहां पर एक व्यक्ति था जिसके अंदर दुष्टात्माएं थी, और दुष्टात्माओं ने क्या बोला था कि हम सेनाएं हैं, एक सेना में 1000 से ज्यादा लोग होते हैं, तो वो उसके अंदर थे, और उन्होंने क्या बोला कि हमें हमें तो वापिस मत भेज उस अथाकुंड में, क्योंकि वहां पर हमें जाना है, मतलब वहां सब खत्म हो जाएगा, तो हमें वहां मत भेज, पर हमें इन अशुद्ध, जिनको यहूदी लोग अशुद्ध मानते थे, उन सुअरों में भेज दे, और वहां पर वो लोग उनको सुअरों में प्रभु भेजते हैं। तो ये लोग वहां पर उनके बारे में वो लीजियन, मतलब वो सेना, दुष्टात्मा की सेना बोलती है कि वो उस प्रांत पर कब्जा जमाए हुए थे। आप यार तो ये बात है कि शैतानी दूत और ये लोग उनके साथ के जो जितने भी दूत है, दुष्टात्मा है, ये सब इन प्रांतों पर अधिकार जमाए हुए हैं प्यारो। अब ये वो इस दूत के पास आए और इस दूत ने यहाँ पर टक्कर ली, और उस टक्कर में उस गैब्रियल दूत को कितने दिन लग गए, तीन सप्ताह हो गए, और मतलब 21 दिन तक उसकी टक्कर उसके साथ चली प्यारो, आप सोचो। और तब जाके मिखाइल दूत वहां पर मदद करने के लिए वहां पर आता है, और मिखाइल दूत मतलब सब दूतों का मुखिया कहलाता है, सब दूतों का मुखिया कहलाता है, वो प्रधान दूत, मुख्य दूत मिखाइल, यह दूत वहां पर आता है। ये एक और लड़ाई है यहाँ पर हुई थी, और उसकी वजह से फिर वो बहुत सारा प्रकाशन जो प्रकाशित वाक्य के बारे में है, यहाँ पर 10वें 11वें अध्याय में, 10वें 11वें 12वें अध्याय में यह सब बातें, वो प्रकाशन इसको दानियल को परमेश्वर बताते हैं। तो प्रकाशित वाक्य का एक छोर नहीं, उसका कनेक्शन दानियल के इन अध्यायों में भी है, क्योंकि दानियल को यह सब बातें स्वर्ग से प्रकट की गई थी। यहाँ पर आपने आपने ध्यान दिया हो तो 10वें अध्याय की 21वीं आयत में लिखा है, जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है वह मैं तुझे बताता हूं। ऑलरेडी रिटन है स्वर्गीय किताबों में कि अंतिम समय पृथ्वी पर का क्या होगा, उसमें क्या क्या घटनाएं आएगी, उस लिखा हुआ है वह मैं तुझे बताता हूं। यह सब और कोई उस समय नहीं जो परमेश्वर के नहीं, परमेश्वर की इस बातों को पा सके, और वो था दानियल, उसको परमेश्वर ने यह बताया। पर यह एक लड़ाई यहां पर भी है जिसमें मिखाइल आगे आया था, और वैसे ही दूसरी एक लड़ाई इससे पहले हुई थी, और वो थी मूसा के शव को लेकर, जब मूसा की मृत्यु हुई थी, और वहां पर भी यही प्रांतों के अधिकारों की, शैतानी दुष्ट अधिकारों की लड़ाई थी, कि बिल्कुल वचन का देश बॉर्डर था वहां पर, वहां पर एक बॉर्डर पूरी हो रही थी, दूसरी बॉर्डर शुरू हो रही थी, और इसीलिए वहां पर दुष्टात्मा ने, शैतान ने वहां पर लड़ाई की थी मूसा के शव को लेकर, नहीं कि यह हमारा इलाका है यहाँ पर हमारा, और परमेश्वर ने वहां पर जो बातें की वो हमने पिछले समय में सीख ली थी, कि नहीं परमेश्वर ने मूसा को वहां से उठा लिया है। और ये पहली लड़ाई मिखाइल की वहां पर है, दूसरी यहां पर है, और तीसरी प्रकाशित वाक्य में है प्यारे। तो ये प्रकाशित वाक्य की जो लड़ाई है यहाँ पर भी इसका कनेक्शन है, कि दूत शैतानी दूतों को के साथ की यह मिखाइल दूत की लड़ाई में शैतान और उनको वहां से फिर से हटा दिया गया, फिर से एक बार और हार मिली है शैतान को, फिर से एक बार और हार मिली है, कि वो जहां पर थे वहां से भी नीचे गिरा दिया गया,
और इसीलिए यहां पर दसवीं आयत प्रकाशित वाक्य 12:10 में लिखा है, सॉरी 12:10 नहीं पर 12वीं आयत में, इस कारण हे स्वर्गो और उनमें के रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय। देखो स्वर्ग में रहने वाले मगन हो, मतलब अब वहां पर से शैतान और उनके दूतों को हटा दिया है, वहां पर अब इसका राज्य नहीं रहा है, वहां पर हटा दिया है। पर अब कहां पर आ गए ये लोग, तो प्रकाशित वाक्य में ये बात जो 3.5 साल का जो अंतिम विभाग है वहां पर ये पृथ्वी और समुद्र में आ गए हैं। इसीलिए लिखा है पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम पर उतर आया है, क्योंकि जानता है उसको उसके पास थोड़ा ही और समय बाकी है। तो प्यारो ये वो लड़ाई है जिसमें मिखाएल दूत ने उनके सामने लड़ाई लड़ी है और इनको गिरा दिया गया है। दानियल का 10वें अध्याय में वो बात पास्ट बताती है, भूतकाल बताती है, पर उसी दानियल का 12वां अध्याय आप निकाले जिसमें ये महाक्लेश काल के समय में जो ये लड़ाई है वायुमंडल के ऊपर जो लड़ाई है, वो लड़ाई की भविष्यवाणी ऑलरेडी दानियल के उस पुस्तक में लिखी हुई। आप देखो दानियल का 12वां अध्याय, वो दूत अभी भी बातें कर रहा है उससे। आप 10वें अध्याय से देखो तो वहां पर से वो बातें कर रहा है, वो पूरा प्रकाशन उसको दे रहा है, पूरी बातें बता रहा है कि अंतिम समय में ये घटना होने वाली है, एंटी क्राइस्ट खड़ा होने वाला है और ये है, उसके साथ इतने राजा इतने देश होंगे, ये सब बातें वहां वर्णन की गई है। नहीं, और 12वें अध्याय में यहाँ पर लिखा है 1 आयत में, उसी समय, मतलब वो अंत का समय, कौन सा समय, उसी समय। तो 11वें अध्याय के 40 में अगर आप पढ़ोगे, आपके पास बाइबल खुला रखना प्यारो, 11वें अध्याय के 40वें कलम में पहला शब्द लिखा है अंत के समय के ये सब बातें होगी। तो ये अंत के समय में, ये उसी समय मिकाएल नाम का बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है। देखिए यहाँ मिकाएल के लिए शब्द लिखा है बड़ा प्रधान, मतलब मुख्य दूत की बात है। तेरे जाति भाई कौन, दानियल के जाति भाई कौन, यहूदी लोग, और लिखा है उनके पक्ष करने को, मतलब इज़राइल राष्ट्र के लिए एक दूत परमेश्वर ने ऑलरेडी अपॉइंट कर दिया और वो है मिकाएल दूत प्यारो। इसलिए भूतकाल में इज़राइल राष्ट्र के विरुद्ध में जितनी भी लड़ाइयां हुई है उसमें कई बार कुछ लोगों की गवाहियां सत्य घटनाओं की, इसके बारे में जो बातें हुई है उनकी सत्य गवाहियां में ऐसा बयान किया गया कि उन्होंने किसी बड़े दूत को देखा, बड़ी महाकाय फिगर को देखा और उसके एक शब्द से हम थर थरा गए और वहां से हम लोग भाग गए के। तो ये सब हो चुका है प्यारो कि इज़राइल को बचाने के लिए परमेश्वर ने अपना स्वर्ग दूत वो मिखाएल को ये अधिकार वहां अपॉइंट किया हुआ है प्यारो। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष खड़ा रहने को खड़ा रहता है वह उठेगा, मतलब अंतिम समय में वो फिर से उठेगा। और लिखा है तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ और हुआ ना होगा। मतलब प्यारो यह जो प्रकाशित वाक्य का हम अभ्यास कर रहे हैं जिसमें मिकाएल दूत की यहाँ पर लड़ाई हो रही है, उसकी भविष्यवाणी ऑलरेडी दानियल में की जा चुकी थी प्यारो। और अब ये लड़ाई होने के पीछे का तात्पर्य क्या है हम ये समझने का प्रयास करेंगे। आपको पता हो तो 13वें अध्याय में पूरा वर्णन किसके बारे में है, हाँ ख्रिस्त विरोधी के बारे में और झूठे भविष्य वक्ता के बारे में है। इन दोनों का बोलते कि ये मूल, अभी तक तो पहले 3.5 साल का समय ख्रिस्त विरोधी का समय कैसा था, एक मनमोहक व्यक्ति के रूप में था, नहीं जो शांति चाहता है, जो लोगों के सॉल्यूशन को उत्तर, उनको लोगों के प्रश्नों का उत्तर मिले, सॉल्यूशन मिले, वो चाहता है। तो इजरायली लोग भी यहाँ पर उनके पक्ष में हो गए थे और उसके साथ वाचा बांधी थी, नहीं 7 साल की वाचा। अब ये वो समय आ गया है यहाँ पर कि उसको पता है शैतान को थोड़ा ही समय है, इसलिए अब जल्द से जल्द पूरे विश्व पर संपूर्ण कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है।
संपूर्ण रीति से पूरा नियंत्रण इस विश्व पर हो, इसके लिए आवश्यक है कि उसको विश्व की सत्ता मिल जाए, नहीं शैतान को विश्व की सत्ता मिल जाए पूरी रीति से, वो पूरी रीति से वो गवर्न कर सके इस संसार पर। तो अब वो किसके जरिए करेगा? तो वो यही एंटी क्राइस्ट की बात है, यहां पर ख्रिस्त विरोधी की बात है, जिसके जरिए वो कर सकता है। पर 3.5 साल के बाद उसको इसीलिए नहीं, ये शैतान को गिरा दिया गया है, अब वो उसमें संपूर्ण रूप से अपने आप को प्रकट करता है, नहीं? अब हम उसको उसके बारे में भी आगे देखने वाले हैं, 13वें अध्याय में जब जा रहे हैं तब उसमें देखेंगे जरूर। पर यहाँ पर यह बात है कि ये लड़ाई इसलिए हुई है, और यहाँ पर ये बात 12वें चैप्टर में ये बात इसीलिए आई है, इसलिए ये कैरेक्टरों की बात यहाँ पर आती है। ख्रिस्त विरोधी का असली चेहरा यहाँ पर आता है, अभी तक उसका असली चेहरा नहीं आया है। तो क्यों असली चेहरा अब सामने आता है 3.5 साल? क्योंकि ये घटना हुई है और शैतान उतर आया है और क्रोध के साथ अब वो काम कर रहा है, बड़े क्रोध के साथ वो काम कर रहा है। तो ये वो बात है प्यारो। उस समय में आप 2 थिस्सलुनीकियों, आप अपने बाइबल में निकालिए 2 थिस्सलुनीकियों, आठवीं आयत में यह लिखा है, तब 2 अध्याय और 8वीं आयत, तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। नहीं, उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता, वो लोग ने सच्चे मसीहा को स्वीकार नहीं किया और इसीलिए अब उनको झूठे मसीहा के हाथों मतलब मरना पड़ेगा, उससे पीड़ाएं झेलना पड़ेगा। उस समय उन पर जो न्याय आएगा वो ही न्याय इनके ऊपर भी आएगा, क्योंकि इन्होंने सत्य को परमेश्वर को इनकार कर दिया था प्यारो। अब शेष संतान, यहां 12वें अध्याय में दूसरी आयत पढ़ते हैं, 13वीं आयत, जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी, अब हम उसमें आगे जाते हैं, उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया और उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए। मतलब अब शैतान को गिरा दिया गया है, अब समझ में आ रहा है ख्रिस्त विरोधी खड़ा हो रहा है, अब वो अपना असली चेहरा प्रकट कर रहा है और अब वो यहूदी लोगों पर अपनी नफरत जाहिर कर रहा है, अब वो अपना असली चेहरा बताकर उसको उसका मतलब जो मूल काम है नाश करना, नहीं वो बात वो वहां पर जाहिर कर रहा है। और इसीलिए यहाँ पर ये बात लिखा है कि उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया, उस स्त्री को सताया, मतलब कौन है वो स्त्री? इजरायली लोग, इजराइल राष्ट्र। और लिखा है और उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। अब ये प्रकाशित वाक्य में ये सब बातें और दानियल के अध्याय में पुस्तक में ये बातें लिखी है प्यार, कि समय समयों और आधे समय, मतलब ये क्या बताए, एक समय मतलब 1, समयों मतलब बहुवचन, इसलिए 2 कहलाते हैं, तो 1 और 2 कितने होते हैं? 3, और आधे समय मतलब आधा मतलब 3.5, मतलब 3.5 साल की बात यहाँ पर परमेश्वर कर रहे हैं कि उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। अब प्यारो उस समय अगर आप देखो तो ऑलरेडी बहुत सारी बातें वहां पर ऐसी घट चुकी होगी भौगोलिक रूप से, ज्योग्राफिकली, कि जिससे बहुत कुछ वीराना फैला होगा,
पूरे विश्व में देखा जाए तो पृथ्वी आग निकलेगी नहीं, ये सब बातें हम सीख चुके थे पिछले समय में कि पहली सील, दूसरी सील, दूसरी तीसरी मोहर, ये सब खोला गया तो कौन सी घटनाएं घटती, ये फिर ट्रम्पेट की बारी आई, तो ये सब पृथ्वी और उसके ऊपर घटने वाली घटनाओं की बात थी। तो उस समय कुछ जगह ऐसी भी वहां पर थी जिसके जिस जहां से बस्ती उजड़ गई होगी, मतलब वीरान हो गई होगी, इसलिए यहाँ पर जो शब्द लिखा है जंगल शब्द, मतलब वीरान जगह, और वहां पर वो चली गई, लिखा है कि उस जगह पहुंचाया जाए जहां वह एक समय और समय और आधे समय तक पाली जाए। और वो जगह अभ्यासियों का कहने का जो उनका अभ्यास उनके के आधार पर ये उसका ये जगह है, पेट्रा नाम की एक जगह है, जो लोग इसराइल के टूर में जाते उनको यहाँ पर ले जाया जाता है, उनको पता है कि ये पेट्रा क्या है, और इस जगह पर वो लोग इसराइली लोग जिन पर इसका कोप भड़क उठा होगा एंट्री क्राइस्ट का, वो लोग उससे बचने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे और परमेश्वर उनको संभालेंगे वहां पर। देखा 3.5 साल तक वो पाली जाएंगे, मतलब पालन पोषण होगा, जैसे वीराने में से परमेश्वर जब अपनी प्रजा को मूसा के द्वारा ले आए थे तब उनको कैसे पाला पोषा था परमेश्वर ने, नहीं वैसे ही यहाँ पर परमेश्वर उनका पालन पोषण करेंगे। 15वीं आयत में आगे बढ़ते लिखा है, और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी की नाई पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे। अब वो किसी भी तरीके से इनको ढूंढ निकालता है और लिखा है कि नदी बहाए, अपने मुंह से नदी बहे, यह एक सिंबॉलिक है प्यारो, यहाँ पर मतलब एक एक समस्या पैदा करती, या तो ऐसा संकट उनके ऊपर लादा, ऐसी ऐसी उत्पीड़न उनके ऊपर जाहिर की यहाँ पर शैतान ने, पर क्या हुआ यहाँ पर, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। मतलब परमेश्वर वहां पर उनकी सुरक्षा करता है, उनको संभालता है, और यह एक एक बड़ी बात यहाँ पर दिखाई है कि प्रभु ऐसे समय में भी उनकी रखवाली कर रहा है, भले ही क्योंकि अब इनको पता चल चुका है कि हकीकत में मसीहा कौन है, अब इनको समझ में आ गया कि ये तो झूठा मसीहा है, तो अब बचा कौन, उनको ये बात समझ में आती है प्यारा। 17वीं आयत में लिखा है, और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है लड़ने को गया। अब यहां से लड़ने को वापिस, क्योंकि इसराइल में और बाहर भी जितने भी लोग यहूदी है और प्रभु के जो संत लोग है उस समय में जो प्रभु के ऊपर विश्वास किए यीशु पर, वो लोग है उद्धार पाए वो लोग क्लेश काल में, उनको सताने के लिए वहां पर आए। और ये बात क्या बताता है प्यारा, उस समय में जितने भी लोग यीशु के पीछे चल रहे हो उनका कत्लेआम हो सकता है, ये सब बातें हो सकती है वहां पर, और वहां पर उनसे लड़ने को गया, ये शेष संतान वो ही है नहीं? ये वो बात है कि जहां पर उसने पानी निकाला, उनको समस्या उनके लिए खड़ी की, पर परमेश्वर ने उस समस्या को सॉल्यूशन दिया है। और ये वो लोग है, ये शेष संतान जो मुख्य यहूदी जून 144,000 व दो नबियों के प्रचार के द्वारा विश्वास पाए हुए यहूदी, मतलब संतान की बात की है, वो ये लोग हैं, उनको सताने के लिए, क्योंकि उनका टारगेट एंटीक्राइस्ट का टारगेट ये है उस समय में। अब यहाँ पर 13वें अध्याय में हम आ जाते हैं। 13वें अध्याय में दो कैरेक्टरों का वर्णन किया गया है, एक है एंटी क्राइस्ट ख्रिस्त विरोधी और दूसरा है झूठा भविष्यवक्ता फॉल्स मसाया। अभी यहां पर जो है तेरहवें अध्याय में आप देखिए ये आयतें पढ़ते हैं, मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा जिसके 10 सिंह और 7 सिर थे, उसके सिंगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे,
और जो पशु मैंने देखा वह चित्ते की नाई था और उसके पांव भालू के से थे और मुंह सिंह का सा था, और उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया, और मैंने उसके सिरों में से एक एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले और उन्होंने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था और यह कहकर पशु की पूजा की कि इस पशु के समान कौन है। तो यहां पर 13वें अध्याय में अगर आप देखोगे तो जैसे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, नहीं यह होली ट्रिनिटी है, पवित्र त्रिएकता है, तीन है पर तीनों एक है। नहीं इसको हम अच्छे से पास्टर हितेश और पास्टर क्रिस्टोफर जो बाइबल स्टडी ले रहे हैं उसमें आपको समझाए हुए हैं, पर शैतान भी इसी बात को कॉपी करता है। शुरू से उसके हाथों में ये उसने ये बात रखी है कि वो जो भी प्रभु करता है उसका कॉपी करे। क्यों? क्योंकि वो झूठा इस और झूठ ही प्रदर्शित करता है और झूठ के द्वारा लोगों को भरमाता है। तो उसने यहाँ पर ये बात जाहिर की है, उसके परमेश्वर की बातों की कॉपी की है एविल ट्रिनिटी के रूप में। अब ये एविल ट्रिनिटी यहाँ पर जाहिर होती है, आप देखिए 13वें अध्याय में पहले आयत में ड्रैगन मतलब रेड ड्रैगन जो शैतान है उसके बारे में, दूसरा है समुद्र में से निकला पशु, यहाँ पर बीस्ट जो समुद्र में से निकला पशु उसके बारे में वर्णन किया है 13वें अध्याय 1-10 आयत में, और वो कौन है? एंटी क्राइस्ट। मानव इतिहास ने अभी तक अब तक मतलब ये क्लेश काल के वो जो समय अब तक न देखा हो वैसा यह व्यक्ति होगा, यह व्यक्ति इस तरीके का होगा कि आज तक जितने भी बड़े बड़े लोग हो गए जिनका बड़ा नाम था, देखे नबूकदनेस्सर राजा से लेकर अलेक्जेंडर बड़ा राजा जो हो गया, वो नहीं बड़े बड़े लोग हो गए, बड़े नामी लोग हो गए, हर एक की कुछ अलग अलग खूबियां थी, खासियत थी, खराबी थी, हिटलर को देखो, तो इन सब से बढ़कर यह व्यक्ति होगा। राजनीतिक रूप से पॉलिटिकली पर यह बहुत पावरफुल व्यक्ति होगा, विशिष्ट व्यक्ति होगा, एक एक अलग व्यक्तित्व होगा इसका राजनीतिक रूप से। इसके अंदर कूटनीति होगी, एक जबरदस्त स्पीड तेजी होगी, नहीं बोलते ना छटादार मनमोहक बोली होगी, बड़ा ब्रेनी होगा, दिमागी होगा, ये बड़े बड़े सॉल्यूशन लाएगा वो। दूसरी बात, वो कठोर और निर्दयी और क्रोधी भी है, ये उसके एंटी क्राइस्ट के बारे में, ये ऐसा व्यक्ति होगा। और प्यारो जब वो आएगा, जब ये क्लेश काल शुरू होगा उस समय की बात है, 7 साल की शुरुआत की बात है, दुनिया के आगे इसका रूप ऐसा होगा जो यहाँ पर मैंने बोला नहीं कि राजनीतिक रूप से भी अलग, बहुत पावरफुल होगा, दिमागी होगा, मनमोहक बोली होगी, लोगों को मोह लेगा ये, और ये जो कुछ भी करेगा वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, इसके पीछे लोग मैड होंगे मानो, ऐसी बात होगी। प्रमुख शक्तियों और मतलब जो बड़े बड़े एम्पायर है और इसराइलियों का भरोसा ये जीत लेगा और इसराइलियों के साथ वो वाचा बांधेगा, ये वो बात थी शुरू में, और मुख्य समस्याओं का उत्तर ये देगा, स्थिरता प्रकट करेगा, शांति ला कर लोगों के दिलों पर छा जाएगा, और वो जो कुछ नया इन्वेंशन या आविष्कार करेगा, जो कुछ भी होगा नहीं, वो सब में क्या होगा, दुनिया के लोग इसको स्वीकारेंगे, आवकार करेंगे इसका कि हाँ हम ये सब ग्रहण एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा व्यक्ति, ये पहला था एंटी क्राइस्ट, दूसरा जो था इसी 13वें अध्याय में है, झूठा भविष्यवक्ता, जिसके बारे में वर्णन है पृथ्वी में से निकला पशु, फॉल्स प्रॉफिट के बारे में यह है। अब देखो अजगर होली एविल ट्रिनिटी में, अजगर, एंटी क्राइस्ट और झूठा भविष्यवक्ता, ये तीनों है, ये तीनों मिलकर
जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा अपना काम करते वैसे ये उनका काम जैसे कर रहे, ये बात यहाँ पर आपको देखने मिलेगी, वो पैटर्न आपको देखने को मिलेगी कि कैसे यीशु ने पिता को प्रकट किया और उसको प्रकट पिता के काम प्रकट करने के लिए पवित्र आत्मा ने सामर्थ्य दिया नहीं, और परमेश्वर ने वो अधिकार वो सिंहासन यीशु को हस्तक कर दिया। वैसे ही यहाँ पर ऐसा ही कुछ ये 13वीं अध्याय में देखने को मिलेगा। ये 13वां अध्याय में अगर आप देखोगे तो प्यारो बहुत कुछ बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी हुई है इस सिर्फ इस 13वें अध्याय के ऊपर। हम उतने डिटेल में तो हम कुछ नहीं देखना चाहते, पर यहाँ मूल मूल मुख्य मुख्य ऊपर ऊपर बातों को हम देखेंगे। यहाँ पर समुद्र में से निकला पशु जो पहली आयत में लिखा है 13वें अध्याय पहली आयत में, वो समुद्र में से निकला है और 13वें अध्याय की उसी 13वें अध्याय की 11वीं आयत में दूसरे पशु के बारे में लिखा है, उसमें लिखा है पृथ्वी में से निकला पशु। एक समुद्र में से निकला बताए और ये पृथ्वी में से। ज्यादातर लोग यहाँ पर मुझे जब तक ध्यान में आए वहां तक कुछ लोगों ने इसको एक कर दिया है कि दोनों एक ही है, पर यहाँ पर सिर्फ एंटीक्राइस्ट नहीं, पर यहाँ एक दूसरा व्यक्ति पिक्चर में है और वो है झूठा भविष्यवक्ता। अब झूठा भविष्यवक्ता यहाँ पर इसको रिलीजियस सिस्टम के रूप में भी हम ले सकते हैं नहीं, एक क्योंकि ये रिलीजियस है, ये भविष्यवक्ता एक रिलीजन धर्म के साथ जुड़ी हुई बात है। पृथ्वी में से निकला हुआ है, फिर लिखा है मेमने के दो सिंह है और अजगर के समान बोलता है। ये मतलब शैतान का मुंह है ये झूठा भविष्यवक्ता। आप देखो तो समुद्र क्या बताता है पता है, एंटीक्राइस्ट समुद्र में से निकला, मतलब समुद्र क्या बताता है, दुनिया के अलग अलग राष्ट्र नेशंस उसकी बात बताते हैं समुद्र, और उसमें से निकला हुआ, उसमें से उन जातियों में से आया हुआ यह एक व्यक्ति है। और झूठा भविष्य वक्ता एक रिलीजियस आइडेंटिटी है नहीं? एक धार्मिक व्यक्तित्व है। जिसका नाम है धार्मिक रूप से और वहां पर उसका उपयोग किया गया है। आप 11वें आयत से 18वें आयत तक पढ़ोगे तो एक एक बात करके हम पढ़ते हैं। यह धार्मिक रूप से एक विशिष्ट व्यक्ति है क्योंकि यह भविष्य वक्ता कहा गया है नहीं? तो वो धर्म के साथ रिलेट करता है रिलीजन से। पहले पशु का इसका इसकी एक्टिविटी क्या है, इसका काम क्या है, पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता है। पहला पशु मतलब एंटी क्राइस्ट का, ख्रिस्त विरोधी का, मसीह विरोधी का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता है। पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था उसकी मतलब उस पशु की उस ख्रिस्त विरोधी की क्या करता है, ये मतलब पूजा कराता है। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहां तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। अब आप देखो उन दो गवाहों को जिनको परमेश्वर ने उस समय क्लेश काल में भेजने वाले हैं नहीं, उनकी एक्टिविटी क्या है, उनकी सेवकाई में क्या था, वो भी मुंह से आग निकालेंगे नहीं। मूसा और एलिया इसलिए उनके भी उन्होंने जो भूतकाल में किया था वैसे ही वो इन दिनों में वो करने वाले हैं, इन क्लेश काल के अवकाश में वो करने वाले हैं। तो वैसा ही उनके सामने ये कर रहा है। आप सोच रहे हो मतलब दुनिया के सामने जब सच्चाई वो दो गवाह प्रकट कर रहे हैं तो ये झूठा भविष्यवक्ता उनकी बातें पेश कर रहा है, मतलब दुनिया वालों को अभी भी वो गुमराह करने का प्रयास जारी रहेगा। इसका ये वो समय होगा, इसलिए ये समय बहुत धोखे का समय होगा लोगों के लिए। लोगों को सच्चाई सामने होने के बावजूद भी नहीं, कई बार भरोसा करना किधर जाए क्या करे, वो असमंजस में पड़ जाएंगे क्योंकि यह झूठा भविष्यवक्ता भी बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था,
यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। लिखा है वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था, साफ लिखा है भरमाता था पृथ्वी के रहने वालों को। उसे उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। नहीं, अब देखो प्यारो, इसको सारा अधिकार दिया गया है। किसने दिया है? तो अभी हमने यहां पर पढ़ा, जो एंटी क्राइस्ट जब प्रकट हुआ यहां पर, उसके बारे में यह वर्णन किया है। नहीं, 13वीं अध्याय के शुरुआत की आयत में कि अजगर ने अपने सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया, दूसरी आयत में ये बात लिखी है। तो यहां पर वो सामर्थ, यहां पर उनकी सामर्थ यहां पर काम कर रही है। और इसलिए ये क्या हो रहा है, यहाँ उसकी मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया और उस पशु की मूरत बोलने लगी। जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा न करें और उनको मरवा भी डाले। प्यारो, ये बहुत भयानक समय होगा। और दूसरी बात, इसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे, दाहिने हाथ या तो कपाल पर क्या किया, छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन न कर सके। अब यहां पर कुछ बातों पर हम गौर करना चाहते हैं। 10 सिंह और बातें क्या है? नहीं, ये यूनिटी ऑफ नेशंस एंड एम्पायर, जो उस समय विश्व में जितने भी बड़े बड़े राष्ट्र होंगे उसमें से चुनिंदा लो, उसमें से चुनिंदा राष्ट्र, सब नहीं पर बड़े बड़े राष्ट्र होंगे, एम्पायर होंगे, विश्व साम्राज्य जो लोग होंगे ऐसे, वो लोग एक हो जाएंगे। और ये वही समय होगा प्यारों कि मसीह की जो क्लेश काल की कलीसिया जो है, क्लेश काल के विश्वासी लोग हैं, उनका बड़ा सताव होगा, जैसे आज हो रहा है। आज भी वो ख्रिस्त विरोधी का आत्मा प्रकट है, ख्रिस्त विरोधी एंटी क्राइस्ट उस समय आएगा। वो एक अलग व्यक्ति होगा, होगा कोई व्यक्ति, पर उसमें जो आत्मा होगी वो ये आत्मा होगी जो आज भी कार्यरत है। आप देखो कितनी बड़ी मात्रा में मसीहों का कत्ल चारों ओर हो रहा है, मसीही लोगों का। आप अफ्रीकन देशों में देखो, आप कहीं भी देख लो, विश्व के 60 से भी ज्यादा देश ऐसे है जहां पर भारी मात्रा में सताव चल रहे हैं। प्यारो, हमारे सामने कुछ आ नहीं रहा है, पर वो कौन है? आपने कुछ समय पहले देखा हो तो एक समुद्र का किनारा था और करीब 10-12 लोग थे और उनके गलों को रेत दिया गया, काट दिया गया, लहू की नदियां वहां पर बहा दी। नहीं तो वो कौन सा आत्मा काम कर रहा है? यही मसीही विरोधी। और ये अंत काल के, ये क्लेश काल के जो समय होगा उसमें ही भी वही आत्मा बड़े रूप से काम करेगा। इसीलिए मत्ती 24 में ये बात लिखी हुई है कि उस समय लोग तुम्हारा बहुत द्वेष करेंगे। नहीं तो ये यूनिटी ऑफ नेशंस, ये राष्ट्रों के जो समुदाय होगा, संगठन होगा पूरा, ये सब लोग और उसमें जितने भी लोग होंगे मसीही लोगों का बहुत विरोध करेंगे उस समय। और ये बात वहां पर होने वाली है प्यारो, जो आज भी हो रही है। वन गवर्नमेंट हो जाएगी, मतलब आपको बताओ तो 1990 के बाद में, उससे पहले क्या था, जर्मनी के दो हिस्से थे, वेस्ट जर्मनी ने और ईस्ट जर्मनी, पर 1990 के बाद ये दोनों एक हो गए। इन दोनों की करेंसी, गवर्नमेंट, सब कुछ अलग था, पर उसके बाद में एक हो गया। वैसा ही ये क्लेश काल के समय में होगा। आज भी बहुत सारे देश एक हो गए हैं और 10 राज्य, 10 बड़े देश एक हो गए। और आपको पता हो तो एक करेंसी चल रही है और वो है यूरो करेंसी, है ना। उसमें से अलग ही कुछ देश अपने आप को अलग किए उसमें से, पर वो करेंसी आज है, आज सबसे बड़ी करेंसी के रूप में। नहीं, हम देखते हैं तो पाउंड है, फिर अमेरिकन डॉलर है, और तीसरा नाम यूरो डॉलर का आता है, यूरो डॉलर। हाँ प्यारो, तो वैसे ही ये समय 3.5 साल का जो समय होगा, ये
महाक्लेश काल का, उस समय में यह बात इतनी प्रकट हो जाएगी, इतनी भारी होगी कि एक ही गवर्नमेंट हो जाएगी, मतलब ख्रिस्त विरोधी ऊपर होगा और उसके नीचे ये सब देश के अधिकारी बन जाएंगे, ये लोग अपना सब कुछ उसको दे देंगे, उस मसीह विरोधी ख्रिस्त विरोधी एंटी क्राइस्ट को, प्यारो, जिसके अंदर जो 12वें अध्याय में लड़ाई हुई और जो शैतान गिर के गया, और वो शैतान अब महाक्लेश काल की प्रारंभ में ही उसके अंदर मतलब प्रकट होकर अपने काम करेगा, मतलब शैतान खुद इस संसार में काम बहुत ही तेज रूप से वो वहां पर करेगा, वन लीडर हो जाएगा, एक ही अगवा होगा, सुप्रीमसी मतलब एज गॉड, मतलब जैसे परमेश्वर की आराधना हो रही है, जैसे आप दुनिया में अलग अलग जिनको जो परमेश्वर ठीक लगा उसकी आराधना करता है, वैसे उस समय इसकी आराधना होगी। आपको पता हो तो नॉर्थ कोरिया में किम जोंग की आराधना होती है, नहीं या तो जोर से या जबरदस्ती से या तो इच्छा से, नहीं पर वो होती है, वहां पर कराते हैं, किसी को मन से भी, कुछ लोग मन से करते, कुछ लोग जोर जबरदस्ती पर करते। उस समय का काल यही होगा, महाक्लेश काल का, कि वहां पर ये बात होगी कि ख्रिस्त विरोधी की वहां पर मतलब शैतान की आराधना वहां पर होगी, एक मॉनिटरी सिस्टम होगा, मतलब एक ही किस्म की करेंसी का वो समय होगा, कैशलेस सोसाइटी होगी, मान लो जैसे कि आज हम कैशलेस सोसाइटी अब शुरू हो रही है, नहीं बहुत कुछ सारी जगह पर अब हो गई, अब करेंसी इतनी ज्यादा नहीं चलती, पर सब कुछ कैशलेस कोड से सब चलता है, पिन नहीं पर्सनल नंबर से ओटीपी से सब चल जाता है, पासवर्ड से चलता है। चौथा, टोटल कंट्रोल सोसाइटी होगी, पूरा मतलब वर्ल्ड वाइड बिजनेस सिस्टम पर भी पूरा नियंत्रण होगा। आप देखो तो हमने वो आयतें पढ़ी अभी कि वो क्या करा था, कि अब निकाले 13वें अध्याय में, हाँ क्या उसने क्या किया है, 16 भी है, उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन न, लेन देन, ये लेन देन क्या बताती है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, नहीं लेन देन है ये, फाइनेंशियल मैटर है सब वो। आप सोचो प्यारो, वर्ल्ड वाइड बिजनेस जो वाणिज्यिक या तो व्यापारिक पूरी सिस्टम होगी, प्रणाली होती, उसके ऊपर इसका अधिकार होगा, मतलब बिजनेस भी, सारी दुनिया के बिजनेस भी और वो बिजनेस चलाने वाले लोग भी इसके अंडर में होंगे, और आर्थिक एक किस्म का उत्पीड़न मानो कि ये पूरे विश्व में पैदा करेगा उस समय, महाक्लेश काल के समय में पूरी विश्व में एक कम्युनिकेशन सिस्टम होगी, नहीं, और जिसके द्वारा सबकी स्पीच, सबकी कन्वर्सेशन, सब कुछ कंट्रोल्ड हो सके, एक ही लीगल कोड एप्लीकेबल होगा हर एक के लिए, और यहाँ पर बाइबल में वो नाम 666, मतलब सीधा ही 666 उस समय नहीं होगा, आपको लगता है 666 तो उसमें क्या बात है भाई, पर ऐसा नहीं है, वहां पर कुछ और होगा, सीधा ही 666 नहीं होगा क्योंकि ये तो अब सबको पता है, पर वहां पर कुछ और होगा, पर इससे बिल्कुल मेल खाता हुआ वो बात होगी। यहां भी शैतान ने कॉपी की है प्यारो, आप देखो तो ये 666 कौन लाया वहां पर बाहर, तो वो एंटी क्राइस्ट, पर एंटी क्राइस्ट के द्वारा कौन लाया, उसके पीछे जो काम कर रहा है वो है शैतान, और वो यहां पर ये बात बाहर लाता है कि जो परमेश्वर के लोग है उनको पवित्र आत्मा की मुहर लगाती है, लगाई गई, क्लेश काल के समय में जो विश्वास में है उनके ऊपर परमेश्वर के नाम की मुहर लगाई गई, और अब जो शैतान के पीछे चलेंगे, जो चुनेंगे कि हम एंटी क्राइस्ट के ने जो बातें बोली उस पर हम चलेंगे, हम उसके फॉलोअर्स होंगे, उनके ऊपर ये सील लगेगी, क्योंकि ये लोग बहुत आसानी से ये सील लगाने के लिए लोग उस समय तैयार हो जाएंगे,
आपको पता हो तो कुछ समय पहले जो आविष्कार हुए, इन्वेंशन, बड़े बड़े फोन थे, उसमें से बड़ा एंटीना निकलता था तो लोग बातें करते थे। अब आए तो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, अरे हाँ यार ये तो बहुत जरूरी है, इसको तो रखना ही पड़ेगा, इससे तो लोगों से बातचीत होती है। उसके बाद में थोड़ा छोटा इंस्ट्रूमेंट आया, उसको भी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, दौड़ने लगे लोग, हाँ भाई नोकिया का फोन चाहिए, कोई बोले ये चाहिए। उसके बाद में कलर स्क्रीन आया, उसके बाद में नहीं वो कीपैड वगैरह वाला टच स्क्रीन आ गया। तो आप देखो जितने भी आविष्कार फास्ट हुए, फटाफट दुनिया उसके पीछे पागल हो गई हूँ, मतलब ये आया तो ये ले लिया, ये आया तो ये ले लिया। उस समय भी क्लेश काल के, महाक्लेश काल के समय में भी एंटी क्राइस्ट जो डालेगा ये 666 की जो जो नेसेसिटी खड़ी करेगा, लोग क्यों आंखें बंद कर कर उस पर विश्वास करेंगे और वो करवाएंगे प्यार। और इसीलिए वहां पर ये बात है कि नहीं, पसंद करेला लोग भी, मतलब चुने हुए लोग भी वहां पर भरमाए जाएंगे। और ये वो बात है प्यार कि उस समय वो ऐसा करेंगे। सील ऑफ द लैम, नहीं मतलब परमेश्वर की जो नाम था उस समय में हमने देखा, और कलीसिया के ऊपर पवित्र आत्मा की छाप जो सील थी वो, ये हमें स्वर्ग की गारंटी तो बताती है प्यारे, नहीं परमानेंट गारंटी बताती है। पर शैतान की ये 666, मैंने ये बात यहाँ पर देखी कि वो टेम्पररी फ्रीडम है उनके लिए, और वो टेम्पररी है, और ये गारंटी देता है किस बात की, नरक में जाने की 666। पर पवित्र आत्मा की सील और परमेश्वर के नाम की सील क्लेश काल के समय में, वो उनको स्वर्ग की गारंटी बताती है प्यारो। कितना अद्भुत है प्यारो। और एक बहुत बड़ी बात 666 में हम आगे देखेंगे प्यारो, कि हमारा चरवाहा यीशु हमें नाम लेकर बुलाता है, पर उस समय इसकी जो भेड़े होगी, इसके जो लोग होंगे क्रिस्त विरोधी के, उसको वो नाम से नहीं बुलाएगा, उसको पता भी नहीं होगा, वो उसके अंकों से जाना जाएगा, उसको नंबर से बुलाएगा। हालेलुया, ये कितनी बड़ी बात है प्यारो कि हमारा प्रभु हमें नाम लेकर बुलाता है पर उसको नंबर देता है। देखो उन लोगों को शैतान नंबर से बुलाता है प्यारो, ये बहुत बड़ी बात है। और ये नंबर क्या है उस समय, आप देखो इसी नंबर के द्वारा आप सोचो, ख्रिस्त विरोधी के पास राजनीतिक शक्ति है, आर्थिक शक्ति है, व्यापारी शक्ति है, व्यापारी मतलब वाणिज्यिक शक्ति है, और धार्मिक शक्ति है। ये सब मिलकर सब कुछ एक ही व्यक्ति एंटी क्राइस्ट के पास है। आप सोचो वो कैसी बड़ी तबाही मचा सकता है, जिसके पास पॉलिटिकल पावर है, फाइनेंशियल, पूरे वर्ल्ड का आर्थिक पूरा संगठन उसके पास हाथों में है, व्यापारी संगठन उसके हाथों में है, सब कुछ रिलीजियस धार्मिक ये भी सब उसके पक्ष में है। तो बाकी कौन रहे, मसीही लोग, परमेश्वर के लोग उस समय के, उनके विरुद्ध कितनी बड़ी आपत्ति हो सकती है क्या? आप सोचे, क्या आप सोते ही रहेंगे? अगर सोते रहेंगे तो जरूर एक समय आ जाएगा कि आप इसमें हो जाओ। और इसीलिए परमेश्वर ने ये बात बोली है कि आप जागते रहो, कि जैसे नूह के समय में हुआ वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा, वैसा ही होगा। और इसलिए हमें जागते रहना है प्यारो कि उसका आना निकट है प्यारो। हमें ध्यान में रखना है कि प्रभु का आना निकट है, हमें अपने आप को उसके वचनों से, उसके सुशोभ, उसको प्रसन्न करे ऐसे कामों से, ऐसे अर्पणों से, ऐसी जीवन शैली से, ऐसी लाइफ स्टाइल से, उसको महिमा देता हुआ जीवन जिए प्यारो। और उसको कहते हैं कि जागता हुआ व्यक्ति। वो जागते हुए व्यक्ति को पता होता है कि वो क्या पहन रहा है, उसने क्या पहना है, क्या नहीं पहना है, उसके चेहरे पर क्या है क्या नहीं है। सोते हुए व्यक्ति को कुछ पता नहीं चलता है। पर प्यारो यही बात है कि हमें जागते रहना है। जागते रहने का मतलब यही है प्यारो। आज का यह संदेश यही बात हमें बताता है कि हमें जागते रहना है प्यारो। ये सब कुछ बाइबल स्टडी हमें यही बताती है कि हमें जागते रहना है प्यारो, क्योंकि कभी भी नहीं हमें भटकाने के लिए शैतान कोई भी शस्त्र, कोई भी हथियार, कोई भी व्यक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। पर आप अगर यीशु के हाथों में होंगे, यीशु के पद चिन्हों पर चलते होंगे, आपको कोई भटका नहीं सकेगा, क्योंकि आपका फोकस उसके पद चिन्ह होंगे। यहाँ पर आखिरी ये बात बात देखकर हम आज का अभ्यास पूरा करेंगे। व्हाट इज 666? आपका प्रश्न था पिछले समय,
सच क्या है। देखो इसके लिए आयत लिखिए, ज्ञान इसी में है, 13वीं अध्याय की आखिरी आयत, ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि यह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। अब यह क्या लिखा है, यह मनुष्य का अंक है। एक तरीके से देखा जाए तो एंटी क्राइस्ट का यह अंक है, पर वो मनुष्य है और यहाँ पर जो जी रहे वो भी मनुष्य, उनको दिया हुआ यह अंक है और वो 666 है। वो सीधा 666 नहीं देगा, पर ये कोई एक ऐसी सिस्टम उस समय में अस्तित्व में होगी जिसका हर एक व्यक्ति के लिए होना अनिवार्य बन जाएगा, कि ये इसके बगैर कुछ काम चलेगा ही नहीं। देखो ये क्या है और क्या नहीं है, इसको ढूंढकर इसको खोजने का काम हमारा नहीं है, क्योंकि कलीसिया का इसके साथ कोई संबंध नहीं है, है ना। कलीसिया तो उठा ली गई है और वो कलीसिया आप और मैं है जो अभी जी रहे हैं, पर वो 666 क्या है नहीं? वो एक भेद है पूरा। तो वो भेद जब तक परमेश्वर प्रकट ना करे तब तक कोई जान नहीं सकता कि ये क्या होगा नहीं। पर वो ऐसी सिस्टम होगी कि जिसको हर कोई छोटा बड़ा इजीली उसको एक्सेप्ट स्वीकार कर लेगा, उसके लिए आना कानी कोई नहीं करेगा। भजन संहिता 25 साम 25 और 14 में लिखा है, यहोवा के भेद को वही जानते जो उससे डरते हैं। उसका सही ट्रांसलेशन ये है कि जो उससे डरते हैं उनको परमेश्वर अपने भेद को प्रकट करता है। और लिखा है यहोवा कुटिल से घृणा करता है, नीति वचन में ऐसा लिखा है, परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर, वहां लिखा है राइटियस, सीधे लोगों पर खोलता है। नए नियम की कलीसिया का इससे सच में कोई वास्ता नहीं है, पर ज्ञान और समझ का आत्मा, पवित्र आत्मा उस समय के पवित्र लोगों पर, ये जरूर जरूर, मैं ये मेरा ये अनुमान है और मेरा विश्वास है कि उनको तो जरूर पक्का ये प्रकट करेगा, ताकि वो लोग इससे बचे रह सके, क्योंकि वहां पर वो लोग भी स्वर्ग में जिन्होंने ये छाप नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि उनको ये पता चल जाएगा कि ये सिस्टम क्या है, उनको ये सिस्टम क्या है, वो कौन प्रकट करेगा, पवित्र आत्मा। प्यारो उस समय में ये बात उनको पक्को भी पवित्र आत्मा प्रकट करेगा। प्यारो पर हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं इसके आधार पर, नहीं हम ये कुछ अनुमान लगा सकते कि 666 भी है क्या। तो यह एक आइडेंटिटी कार्ड हो सकता है, यह एक पहचान नंबर हो सकता है, आइडेंटिटी नंबर हो सकता है, यह एक व्यक्तिगत सिक्योरिटी कोड हो सकता है, यह एक पास कोड हो सकता है, यह एक पिन नंबर भी हो सकता है, या तो वर्ल्ड वाइड कंप्यूटराइज कुछ कोड अलग आते हैं वो भी हो सकता है, इसमें से कुछ भी यह हो सकता है। और उस समय की बात, क्लेश काल की बात, महाक्लेश काल की बात, व्यक्ति का संपूर्ण अस्तित्व पूरा का पूरा अक्षरशः बिल्कुल एक एक बात इस अंक के ऊपर निर्भर होगा प्यारो, क्योंकि उस व्यक्ति का पूरा डिटेल, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, उसका एड्रेस क्या है, कौन सी बैंक में उसका अकाउंट है, कितने पैसे है, और भी बहुत सारी जानकारी इस अंक के द्वारा आपको ये फिगर में दिख रहा होगा आपके सामने स्लाइड में, कि नहीं, ये एक बार कोड है और ये बार कोड हमेशा 666 ये तीन अलग अलग ग्रुप में बटे होते हैं, उसके आधार पर वो कोई भी चीज की आइडेंटिटी होती है। और आपको पता हो तो कहीं भी आप जाते हो तो कुछ चीज खरीदते हो तो आजकल वो एक लेजर वाला, लेजर बीम वाला वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इक्विपमेंट, जिसके ऊपर वो जैसे ही वो बीम सेंटर्ड करते, फोकस करते, तुरंत उस आइटम का क्या आ जाता है, नाम आ जाता है, उस आइटम का रेट आ जाता है, उस आइटम के मूल प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस, सब कुछ वो कंप्यूटर पर सामने आ जाता है, और वो प्राइस वहां पर, उसके पर क्या डिस्काउंट है, वो सब कुछ उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, मतलब एवरी डिटेल, नहीं वो सब कुछ इस कोड के अंदर होती। तो हो सकता है उस समय में कि उस व्यक्ति की सारी डिटेल एक कोड के रूप में वहां पर मौजूद हो। और एक दूसरी बात जो आपको पता चले, सारा विनिमय, मतलब सारा आदान प्रदान, पैसों का ट्रांजैक्शन इसी नंबर के आधार पर होगा प्यारो। एक
बात आपके ध्यान में हो, तो एक ऐसी चिप जो मोटोरोला का मोबाइल आता उसने इन्वेंट की है. मोटोरोला इज द कंपनी प्रोड्यूसिंग द माइक्रोचिप फॉर मॉन्डेक्स स्मार्ट कार्ड. एक स्मार्ट कार्ड है जिसके लिए इसने एक माइक्रोचिप मोटोरोला ने तैयार की है. और दे डेवलप सेवरल इम्प्लांट्स फॉर ह्यूमंस यूजिंग बायोचिप. अब इन्होंने ये बायोचिप उस कार्ड में नहीं रखी है, क्योंकि कार्ड में रखी जाए ये बायोचिप तो उसकी बहुत कुछ उस चिप को काट कर तोड़ कर निकाल कर उसका गलत यूज भी हो सकता है. इसलिए इन्होंने ये तय किया कि ये बायोचिप ऐसी होनी चाहिए जो जिसको कहीं से भी कोई निकाल ना सके. तो वो बायोचिप ऐसी होनी चाहिए जो इंसान के अंदर हो. और स्मार्ट कार्ड के अंदर वो कार्ड आज खो जाते हैं. आज कार्ड का क्या होता है, नहीं कुछ ना कुछ लोग फ्रॉड करते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ चोरी डेटा लॉस होता रहता है. पर ये एक ऐसा पूरी रूप से सुरक्षित ऐसी सिस्टम अभी चल रही है, इसका हो चुका है बहुत सारी जगहों पर लागूकरण. अब ये जो सिस्टम है इसमें ऐसा है कि एक ट्रांसपोर्टर पूरा सिस्टम है और जिसके द्वारा पूरी इंफॉर्मेशन इसमें से रीड की जा सकती है. और इसके द्वारा सब कुछ मतलब एज अ रिमोट कंट्रोल नहीं, इसका उपयोग भी कर सकते हैं. बायोचिप मेजर 7 mm ऑफ लेंथ, मतलब एक चावल का, बड़े चावल का और गेहूं के दाने के बराबर 7 mm लेंथ. और लिखा है कि 75 mm वाइड, इतना चौड़ा, मतलब 0.75 mm वाइड, इतनी मतलब जितना इसकी साइज होगी. और इसके अंदर ट्रांसपोर्टर होगा और रिचार्जेबल लिथियम बैटरी होगी. और वो बैटरी कैसे शरीर के अंदर चार्ज होगी पता है, अपने शरीर के अंदर एक वीज प्रवाह हमेशा चलता रहता है. और ब्रेन के द्वारा ये सब बातें होती है. और उसके द्वारा जो फ्लक्चुएशन आता है बॉडी टेम्परेचर में, बहुत सारे बदलाव आते हैं, उसको लेकर ये चार्जिंग चलेगा पूरा सिस्टम. प्यारो 250 से भी ज्यादा जो कंपनी है जो 20 देशों में फैली हुई है, ये सब लोग ये मॉन्डेक्स की चीप को विश्व में फैलाने के लिए तैयार हुई है. और इन देशों में है ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इजराइल, हांगकांग, चाइना, इंडोनेशिया, मकाओ, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडिया, ताइवान, श्रीलंका, कोस्टारिका, ग्वाटेमाला, निकारागुआ, ये सारे देश, ब्राजील, एल साल्वाडोर, होंडुरास, ये सब देश, इन्होंने इस चिप को अब आगे ले जाने के लिए अपनी सहमति बता दी है. इसकी करीब 250 से ज्यादा कंपनियां हैं, इन्होंने ये 250 कंपनियां हैं, इन्होंने ये परमिशन दे दी इतने देशों में. अब यह आएगा, आने वाले थोड़े समय में ये सब शुरू हो सकता है. They spent more than $1.5 million in research to discover the best place. इन्होंने कौन सी सही जगह है ये डिस्कवर करने के लिए, खोजबीन करने के लिए ही इन्होंने $1.5 million खर्च कर दिए रिसर्च के पीछे, कि भाई ये जो छोटी सी चीप है इसको कहाँ लगाएगी. तो आखिर में इन्होंने पाया है दो मूल जगह कि जो बिल्कुल उनको सेटिस्फाइड किया उनकी रिसर्च टीमों, क्योंकि राइट हैंड और ये कपाल का भाग, ये दो ही जगह है जहां पर इसको इम्प्लांट किया जा, इनके अंदर डाला जा सकता है. आप इमेज में देख सकते हो, एक ऐसी सिरिंज होगी, बड़ी सिरिंज, जिसको द्वारा शरीर के अंदर इसको इम्प्लांट किया जाएगा और ऐसे वो सारी जानकारियां शरीर के अंदर होगी. और सिर्फ हाथ रखेंगे वो शरीर, मतलब बॉडी के द्वारा सब कुछ आइडेंटिफाई कर लेगा सिस्टम जहां भी होगी. 1 billion biochips are being produced by Mondex a year. एक साल में इतनी चिप्स तो पैदा कर दी जा चुकी है. अब आप सोचो, सब कुछ तैयार हो, सब कुछ रेडी हो इसके पीछे, तभी इतना कुछ आगे बढ़ सकता है. ऑलरेडी ये डेटा पुराना है थोड़ा, अब ये इतना कुछ आगे, इससे भी आगे बढ़ चुका है प्यारो. आप क्या करोगे, आपके हाथ में है. आज का समय हमारे हाथ में है. हमारा परमेश्वर
नाम लेके बुलाता है, वो पोजीशन में रहना है कि हमें नंबर चाहिए। आइए प्यारो, हम हमारी आंखों को बंद करते हैं और थोड़ा सोचते हैं प्यारो, ये सब कुछ जो भी हम सीख रहे, जो भी जानकारी आपको मिल रही है प्यारो, क्या आपको कुछ करने के लिए मोटिवेट कर रही है? क्या आपको कुछ कदम बढ़ाने के लिए, कदम आगे बढ़ाने के लिए, कुछ सीरियस स्टेप्स लेने के लिए, अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या कोई भी रूप से आपको उत्तेजित कर रही है प्यारो? पवित्र आत्मा जो भी आपको अगुवाई कर रहा है प्यारो, अपने आप को उसके आगे रखिए, अपने समर्पण को जाहिर कीजिए, कहे परमेश्वर से, परमेश्वर मुझसे आज तक जो भी गलती हुई मुझे क्षमा कर, पर आने वाला जो समय है उसमें मैं सोया हुआ रहना नहीं चाहता हूं। मैं इस दुनिया में प्रभु तेरी भेड़ बनकर ही रहना चाहता हूं, जिसको तू नाम लेकर बुलाता है, जिसको तू संभालता है, जिसके लिए तू प्रबंध करता है, जिसकी सुरक्षा की तू जिम्मेदारी लेता है, जिसके जीवन की, जिनके भविष्य की पूरी जिम्मेवारी तू लेता है। हमें वो उस चरवाहे के नीचे रहना है, और प्यारो भेड़े वही है जो उसको जानती है, उसकी आवाज को पहचानती है, एक आवाज में बाहर निकल आती है। प्यारो क्या आप वो लोग हो जो उसकी एक आवाज को पहचान जाते हो? क्या आप वो लोग हो जो नियमित रूप से उसकी आवाज को सुनते हो? क्या आप वो लोग हो जो उसकी अगुवाई पर चलते हो? क्या आप वो लोग हो जो उसकी अगुवाई को छोड़कर अपनी मनमानी पर चलते हो? प्यारो ये सब कुछ जो भी हम सीख रहे प्यारो, ये इसलिए नहीं कि हमारा ज्ञान बढ़ाए, ये इसलिए कि हमारी आज्ञाकारिता और हमारा समर्पण उस हमारे स्वामी और परमेश्वर के प्रति हम बढ़ाए प्यारो। यह ज्ञान बढ़ाने के लिए कोई बाइबल स्टडी हम नहीं कर रहे प्यारो, पर हम यह बाइबल स्टडी उस परमेश्वर की महिमा करने के लिए हम और भी तैयार हो सके, और भी सामर्थ्य भर सके, इसलिए हम कर रहे हैं प्यारो। इसका मकसद यह है प्यारो, क्या सच में आप कुछ पा रहे हो? तो अपने समर्पण को जारी करें प्यारो, अपने आप को अलग करें इस संसार के और संसार की लुभावनी बातों से, संसार के अट्रैक्शन से अपने आप को अलग करें, अपनी लाइफस्टाइल को चेक करें, अपनी जीवन शैली को चेक करें कि आप कहाँ जा रहे हो प्यारो, आपका मन कहाँ पर चिपका हुआ है, आप चेक करें प्यारो। उस लूत की स्त्री को बचाने का प्रभु का प्रयास था, पर उसका मन वहां पर नहीं था, उसका मन था, उसने जो कुछ भी कमाया था, उसने जो कुछ भी इकट्ठा किया था वहां पर था, और इसलिए उसने पीछे मुड़कर देखा और वो वहीं की वहीं रुक गई, खार का खंभा बनकर। आप में से क्या कुछ लोग हैं जो पीछे मुड़कर देख रहे हैं? अपने आप को जांचिए प्यारो, अपनी लाइफस्टाइल को चेक कीजिए प्यारो, आप कहाँ जा रहे हो, आपके पैसे कहाँ खर्च कर रहे हो, आप कितना प्रभु की महिमा के लिए कदम बढ़ा रहे हो, कितने पैसे आप प्रभु की महिमा के लिए खर्च कर रहे हो, और कितने पैसे अपने मौज शौक के लिए खर्च कर रहे हो प्यारो। परमेश्वर को महिमा देना हमारे हाथों के काम से भी हो सकता है और हमारे हाथों की आमदनी से भी हो सकता है। कितनी आमदनी का हिस्सा आप प्रभु की महिमा के लिए खर्च करते हो प्यारो? आइए हम अपने आप को तैयार करते हैं। हम सोए हुए नहीं रहना चाहते प्यारो, सोया हुआ कुछ नहीं करता है, सोया हुआ एक ही काम करता है, वो सोता है, पर जागता हुआ बहुत कुछ कर सकता है। आप किस समूह में रहना पसंद करोगे, जागते हुए लोगों में कि सोए हुए लोगों में? क्योंकि प्रभु जागते हुए लोगों को ले जाएगा। आए प्रभु से कहे, प्रभु तू मुझे मुझ पर अनुग्रह कर कि मैं जागता रहूं। प्रभु 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 मैं बहुत कुछ जानता भी हूं और बहुत कुछ नहीं भी जानता हूं, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इतना जानता हूं कि तू मेरा स्वामी है और तेरे आदेश मेरे लिए सर आंखों पर होने चाहिए प्रभु। और प्रभु तू मुझ पर यह अनुग्रह आज होने दे प्रभु, कि प्रभु मैं प्रभु तेरी महिमा के लिए हमेशा हमेशा तैयार रहूं। परमेश्वर प्रभु तेरी इच्छा पूरी करना यह मेरा मकसद है प्रभु। प्रभु शैतान और उसके तैयार किए हुए लोग उसकी इच्छा पूरी करते हैं, पर प्रभु हम तो तेरे लोग हैं, तूने हमें बनाया है, तूने हमें अपनी आत्मा हमारे अंदर फूकी है, तूने अपने लिए हमें खड़ा किया है परमेश्वर, अपना नाम तूने हमें इसीलिए दिया है कि हम तेरे लोग बने और तेरे काम को करें। परमेश्वर तेरी महिमा हो और तुझे प्रसन्न किया जाए, ऐसे काम हमसे हो प्रभु। ओ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, तेरा वो अनुग्रह तू आज हम पर होने दे प्रभु।
ताकि तेरी इच्छा हमारे द्वारा इस संसार में पूर्ण हो, और भी बहुत सारे लोगों को हम तैयार करने वाले बने परमेश्वर इन दिनों में, हम जो सोए हुए लोग हैं उनको जगाने वाले बने परमेश्वर, जो लोग अंधकार में हैं उनके पास उजाला लेकर जाने वाले बने परमेश्वर इन दिनों में प्रभु तू यह अनुग्रह हमें दे परमेश्वर। प्रभु तेरे आत्मा की सामर्थ्य जितने भी देख रहे सुन रहे समझ रहे परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में उनके ऊपर उंडेली जाए, यीशु मसीह के बड़े पवित्र नाम से उंडेली जाए। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु ताकि तेरी महिमा हम कर सके परमेश्वर। प्रभु तेरे हाथों में इस समय को हम सौंपते, आभार मानते, धन्यवाद करते, आपने ये सब कुछ सीखने समझने का अवसर दिया, ज्ञान और बुद्धि दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आगे के अभ्यास में भी आप हमारे इसी तरह से अगुवाई कीजिए और हम हमारे समर्पण में और भी आगे बढ़ते जाए, यीशु के नाम में धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करते हैं, आमीन।